ये बहुत एक जगह जेल खाना है। कई बार लोग आते हैं हमारे पास, शिकायत करते हैं, महाराज ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो हम कहते हैं आप जानते हैं आप जेल खाने में हो? नहीं, हमें चाहिए सुख स्वर्ग का, कीमत नहीं भरना चाहते। ऐसे बात बनेगी? भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज मामेकं शरणं व्रज, हम सर्व पापों से मोक्ष करेंगे। अगर तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ये तो नहीं कहते घूमो खाओ पियो जियो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, कहते भगवान कहते हैं मन मना भावा मद भक्तो मद याजी मम नमस्कृतो मम उसे सदन दे पढ़ की जाने प्रवेश में, तो मैं अपने धाम में जाऊंगा। केवल अगर तुम सदा मेरा चिंतन करोगे, मन मना मेरी उपासना करोगे, तो ही मैं आपको मेरी शरण में अपने धाम में जाऊंगा। तो भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, चलो चलो जागो जीव जागो और आओ मेरे धाम में। तो हम क्या कहते हैं, नहीं मेरा रोड अच्छा है। एक बार ये घटना तो बीती है, तो अगली घटना 100 साल बाद होगी। जैसे कि ये COVID-19 जो आया, इसी प्रकार की बीमारी आई थी स्पेनिश फ्लू जो लगभग 90 साल पहले हुआ था, और उसके स्पेनिश फ्लू के लक्षण COVID-19 के लक्षण सबको एक जैसे थे। तो ये घटनाएं आते जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो वैक्सीनेशन आ गया अब सब समस्या हल, कल नए प्रकार का वायरस आ जाएगा। अभी सेकेंड वायरस जो आया था वो 70% तेज था पहले वायरस से। ये कहाँ से कैलकुलेट करते हैं मुझे समझ नहीं आता। मतलब कि अगर दूसरा वायरस आपको छू देगा, उसको छूने की संभावना 70% ज़्यादा थी, तो उसे भी लोग डर गए। तो सबके लिए शांति का उपाय क्या है, बाजा हरे मन श्री नंद नंदना अभय चरणा गोविंददास कविराज कहते हैं, हे मेरा मन तुम चिंता से भरे हुए हो, और अगर आप चिंता से रहित होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, बाजा मन श्री नंद अभय चरणा और भगवान ईश्वर।